नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का हंगामा। समय बदलने से आक्रोशित है सफाई कर्मचारी, समय बदलने की वजह से काफी नाराजगी दिखाई दी। दरअसल सुबह 5 से 8 बजे तक सफाई करने के निर्देश हैं। पुराने टाइम शेड्यूल लागू करने की सफाई कर्मचारियों की मांग है और कर्मचारियों ने परिसर के सभी कार्यालयों में तालाबंदी कराई है। देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, कार्यालय के अंदर की तस्वीर है, परिसर के अंदर की तस्वीर जहां पर तालाबंदी करवा दी गई है। दरअसल जो शेड्यूल चेंज किया गया है इससे इनकी नाराजगी है। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सफाई करने के निर्देश है और सफाई कर्मियों का कहना है कि जो कि पुराना शेड्यूल था उसे लागू करना चाहिए। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन अब बताइएगा किस बात को लेकर नाराजगी है, क्या चाहते हैं और क्या मांग पर कोई बात बन पाई है अब तक? देखिए बिल्कुल इस समय आगरा नगर निगम में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि नगर निगम का जो मेन गेट है उसको भी उसकी भी तालाबंदी कर दी गई है। दरअसल नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने आदेश दिया है कि सफाई कर्मचारी सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक सफाई करेंगे और इसके लिए खुद अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। उसके बाद जो सफाई कर्मचारी हैं आगरा में 4000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि पूरा शेड्यूल उनका बिगड़ा हुआ है और कैसे 5 बजे आएंगे, बच्चे कब पढ़ाएंगे और इसको लेकर जितने भी आज जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो नगर निगम में मौजूद हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों के जो दफ्तर हैं उसको लॉक कर दिया। उसके बाद इस जो नगर निगम का जो मेन गेट है उसको शेड्यूल क्या था और साथ ही साथ बातचीत कीजिएगा इनसे, क्या चाहते हैं, किसी से बात हुई है, कोई अब तक आया इनसे मिलने के लिए इनकी मांग पर? देखिए बिल्कुल लोगों से बात करते हैं, विनोद इलाहाबादी है, सफाई कर्मचारी जो संघ है उसके पदाधिकारी हैं। आप बताइए एक व्यवस्था बनाई है सरकार ने तो आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत ये है, देखो पहले भी सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही थी और आगरा ही नहीं पूरा प्रदेश सफाई के जो स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग पा रहा था, मगर पता नहीं अचानक नगर विकास मंत्री जी को क्या सूझी, वो सफाई कर्मचारियों को परेशान करने के लिए हिटलर शाही आदेश उन्होंने ला दिया कि सुबह 5 बजे सफाई कर्मचारी अपने क्षेत्र में पहुंचकर और सेल्फी लेकर फोटो भेजेंगे। अगर सुबह सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे अगर ड्यूटी पर जाएगा तो सोचिए कितने बजे उठेगा, क्योंकि उसको नित्यक्रिया भी करनी है। लगभग 3:30 बजे उठकर अगर कोई व्यक्ति काम पर जाएगा तो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा, तैयार करेगा, क्योंकि तो कितने बजे आप लोग निकलते थे, क्या रहता है? हम लोग सुबह सात से दो बजे तक की ड्यूटी रहती थी, उसमें 1 घंटे का लंच रहता था हमारा। अब एकदम सुबह 5 बजे सफाई कर्मचारी कैसे आएगा और उसमें 50% महिला है। बदलाव होता है, सरकार सोचती है, जनता के हित के लिए सोचती है। आप लोगों को क्या लगता है कि पूरी क्या आपका शेड्यूल गड़बड़ा रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है? दरअसल हमारे बच्चों की पढ़ाई का डिस्टर्ब हो रहा है, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो समाज का विकास कैसे होगा, समाज कैसे ऊपर जाएगा? हमें तो पुराने 20 साल पीछे हट जाएंगे जो पहले थे हम कर्मचारी, हमारे बच्चों नहीं पढ़ पाते कर्मचारी तो फिर कैसे पढ़ेगा बच्चा हमारा? पढ़ाई लिखाई बच्चों की मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर हम 1 बजे तक भी करते हैं उसके बाद भी जब वीआईपी आती है सुबह 5 बजे से सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर इंस्पेक्टर वो 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक धूप में अपना कार्य करते रहते हैं, कोई आगे क्या रणनीति है? आज आपने तालाबंदी की है तो अब तो हमने दिनांक 1 अप्रैल को नगराज महोदय को नगर विकास मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया था, उसमें हमने अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम इसमें आंदोलन के लिए बात देंगे। फिर हमने कल दोबारा पुनः इनको स्मरण कराया और एक दिन का सांकेतिक तालाबंदी के लिए हमने दिया। अगर अब हमारी फिर भी मांगे पूरी नहीं होती है तो 3 दिन बाद पूरा प्रदेश सफाई कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर चला जाएगा। माता जी क्या दिक्कत है आपको, नया टाइमिंग बनाइए, थोड़ा जल्दी जग जाए तो बताइए। 3-3 बजे ड्यूटियों पे आएंगे, जग जग के नींद खराब कर करके हैं, किस टाइम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस टाइम भेजेंगे स्कूल, किस टाइम तैयार करेंगे? आपको लग रहा है कि घर का शेड्यूल बिगड़ गया पूरा? पूरा खराब हो गया घर का संतुलन। ये बताइए हमारे बच्चों को क्या चोर डकैत बनवाना चाह रहे हैं? जो चोर डकैत बनोगे पढ़ेंगे लिखेंगे चोर डकैती बनेंगे, डकैतियां ही डालेंगे, लूट मार करेंगे। आप कह सकते हैं तमाम सफाई कर्मचारियों ये कहना है कि बच्चों को कब तैयार करेंगे, उनको स्कूल कब भेजेंगे, और यही वजह है कि ये जो तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो आक्रोशित हैं। आगरा में 4000 से ज्यादा करीब 4200 बताते हैं संख्या है इनकी, और भी लोग, आप बताइए क्या लग रहा है? ये जो नई व्यवस्था लागू की है, ए के शर्मा जी कहना है भैया सफाई सुबह का टाइम है, आप सुबह 5 से 8 तक कर दीजिए, फिर पूरे दिन फ्री है। हम माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि जब हम सुबह 5 बजे आ जाएंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और हमारा समाज निरक्षर रह जाएगा। अगर हमारा समाज निरक्षर रह गया तो वो आगे चल के डाकू बनेगा, चोर बनेगा, पूरे समाज की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी और हम एक अपराधी कहलाएगा, अपराधी बन जाएंगे।
जब हम अपने समाज को आगे बढ़ा के पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो ये सरकार चाहती है कि हमारा समाज निरक्षर रहे और हमारा समाज अपराधी बने। ये अभी आदेश है तो किस तरह से विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ेगा, क्या रूपरेखा? हम 3 दिन बाद एक बैठक करेंगे अपने संगठन की, उसके बाद उसमें निर्णय करेंगे